मिर्ची का अचार एक ऐसा अचार है जो जिस किसी भी डिश के साथ में ऐड कर देना तो उस डिश को चार चांद लग जाने हैं। सो गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। मेरा नाम है विद्या। तो चलिए देखते हैं कि इस मिर्ची के अचार को मैंने कैसे बनाया है। हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो हरी मिर्च। इसको मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है और इसकी डंडियाँ मैंने तोड़ ली हैं। देन यहाँ पे लिया है मैंने सॉल्ट, सौंफ, सरसों का तेल, राई और ये है अमचूर पाउडर। सो एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं लूँगी एक चम्मच राई के दाने और ये है सौंफ, ये मैंने दो बड़े चम्मच लिया है। अब इसको हमने पीसना है। पीसना ऐसे है कि हमें इसको दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। तो इसके बाद हमने इन पूरी की पूरी मिर्ची को बीच में से स्प्लिट करना है। बेसिकली हमें इसमें चीरा लगाना है और इसके एक मिर्ची के दो दो पार्ट हमें करने हैं। अगर आप चाहें तो आप मिर्ची को कट करने से पहले आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ग्लव्स नहीं पहनना चाहते, तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये हरी मिर्च है यहाँ पे, ये वाली काफ़ी तेज़ मिर्च है, तो मुझे याद आया कि चलो अभी तेल लगा लिया जाए हाथों में, वरना फिर बाद में हाथ बहुत ही जलने वाले हैं। ये सरसों का तेल मैंने अप्लाई किया अपने हाथों में, अब इसी तरह से पूरी मिर्ची को हम बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी मिर्ची को कट कर लिया है बीच में से। अभी बारी आती है इसको एक बोल में ट्रांसफर करने की। तो मैंने यहाँ पे काफी बड़ा बोल लिया है, आप भी एक बड़ा बोल लीजिएगा क्योंकि इसको मिक्स करना होता है अच्छे से। और उसके बाद में जो मैंने पाउडर बनाया है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। देन इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच डाले हैं और ये है अमचूर पाउडर, ये भी मैंने दो बड़े चम्मच ही यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी सरसों का तेल। ये मेरे चार बड़े चम्मच सरसों का तेल था, बट अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अच्छे से मिर्ची उसमें मिक्स हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा सरसों का तेल यहाँ पे नहीं डालना। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये अचार अगर आपने आज डाला है तो आप इसको नेक्स्ट डे से ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सरसों के तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है बिल्कुल ही इंस्टेंट अचार जो कि हमारा यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी। तो दोस्तों, जब अभी अचार बनके रेडी हो चुका है तो हमें इसे एक ड्राई कंटेनर में डालना है ताकि अचार ख़राब ना हो। इसमें पानी वानी नहीं होना चाहिए। मैंने इस डब्बे को धो के अच्छे से सुखा लिया है और अभी मैं इस पे सारा का सारा ये मिर्ची का अचार ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देन आप इसे अगर चाहें तो एक दिन धूप में भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नेक्स्ट डे से ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा अचार बनके हो चुका है रेडी। दोस्तों, अब आप इसे कर सकते हैं एंजॉय। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।